હિન્દી છે ને, હિન્દી થોડુંક બાવા હિન્દી છે એટલે ચલાવી લેવા વિનંતી છે. फाइनली आज वो दिन है कि हम जा रहे हैं राजकोट. कितने लॉकडाउन से पहले मैंने अपने टायर मंगवा के रखे थे पर जाने का मौका नहीं मिल रहा था. सो फाइनली आज जयदीप भाई है, सनी है और नीरव भी है साथ में. अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और जाना है राजकोट. करनी है कुछ काम, हमारे कवि भाई से हमने अपॉइंटमेंट ले ली है. क्या बात है, क्या बात है. सुबह सुबह पुलिस वाले अंकल पकड़ना मत. सो आज करने हैं टायर चेंज और बढ़िया बात यह है कि मुझे जो टायर चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं. जयदीप भाई और सनी दोनों आगे चले जा चुके हैं और मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, पर हम लोग रुकेंगे आगे सेल के पेट्रोल पंप पे. भाई कितने दिनों बाद यार, मतलब 3 महीने बाद अपनी राइड वापस शुरू हो रही है. आज तो कुछ धमाल बनती है यारो. वैसे फ्यूल था नहीं मेरी गाड़ी में, वरना मैं सेल का ही फ्यूल वैसे भरवाता हूँ गाड़ी में, पर अभी फ्यूल नहीं था तो एक्स्ट्रा प्रीमियम भी चलता है यार. इस वाले टायर में आगे का जो टायर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. पीछे वाले टायर है उसमें थोड़ी मुझे दिक्कतें आ रही है, तो टायर तो चेंज करवाना ही पड़ेगा. वैसे हमारे डॉक्टर कवि, सुबह सुबह उनका फ़ोन आ गया कि भाई कब निकल रहे हो. मैंने बोला चलो भाई अभी निकल रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज जो एक्साइटमेंट है ना यार, 4 महीने के बाद वापस मैं बाइक पे चढ़ा हूँ और व्लॉगिंग वापस शुरू की कर दी है. तो रात को 4 बजे में सोया हूँ और सुबह अभी 7 बजे में उठ चुका हूँ. पिछले वाला जो मैंने रोड का माइक मंगवाया था, जैसे मैंने गलती की थी वैसे मत करना आप लोग. GoPro के अंदर मैंने एक नया माइक मंगवाया था Amazon से, पर वो मैंने मंगवाया था लॉकडाउन से पहले, तो मैंने चेक ही नहीं किया था. मैंने बोला ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. फिर ट्रायल करने निकला तो पता चला कि भाई ये तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है. अरे रुक जा भाई. क्या हो गया, आर्मी वाले अफसर ने रुक लिया भाई, क्या हो गया. तो भाई जिसके साथ मुलाकात करनी थी आज उनसे मुलाकात हो गई. पहली बार आज मिले थे हम सर जी, हमें एयरफोर्स में है सर जी, तो काफ़ी दिनों से बात हो रही थी व्हाट्सएप पे कि भाई कब मिल रहे हो, कहाँ पे मिल रहे हो.
ऐसे सीरियसली बताओ तो मुझे उनकी एज का अंदाज़ा नहीं था, पर मिलके बहुत अच्छा लगा यार। वैसे उनके पास है हार्ली की 2019 की फैट बॉब, तो सर जी ने काफ़ी सारी एसेसरीज लगा रखी है। मतलब अभी जो बाइक लग रही है वो क्या कूल लग रही है, और अभी भी एसेसरीज का ही काम चालू है। तो जयदीप भाई को मिलिट्री वाले भैया ने रोका था, तो उस हिसाब से मुलाकात हो गई आज। ए देखो बीचों बीच खड़े करके ना बातें कर रहे हैं, बोल रहा है राजकोट जा रहा है तो दो बंदों को लेके जा। क्या यार, चल मेरी धन्नो, टिक टिक टिक, चल बजा दे एक बार, वापिस से बजा दे, शाबाश। वापिस करना है एक बार और करेगी वापिस इसके साथ? नहीं 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 नहीं, नहीं। पटाखे फोड़ रहा है एकरा बोविक में देखो। सो वी आर बैक ऑन द हाईवे। 4 महीने हो गए यार, आज का शायद ये वीडियो लंबा जाने वाला है यार, तो मुझे लगता है कि एक पार्ट में तो नहीं हो पाएगा, दो पार्ट तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि काम इतना है आज, दो तीन चीजें और भी खरीदनी है। खाली खाली रोड, चलो थोड़ी सी खींच लेते हैं। ओहो 180, बस बस, इससे ऊपर अपने को नहीं जाना है भाई, नहीं जाना है। थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है यार। अबे रुक जा, अगर मैंने पहले ही बताया टायर बिल्कुल खत्म है मेरी बाइक में। पौने 10 बजे हम पहुंच चुके हैं TGM, अपनी हर संडे की जगह पे। हमारी मोस्टली राइड यहीं पर होती है। वैसे बता दूं यार, TGM पहुंच चुके हैं, अभी करेंगे यहाँ थोड़ी देर के लिए नाश्ता, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे राजकोट के लिए। हमारा हर संडे का मतलब जो प्लान होता है वो यहीं पे होता है। हम ब्रेकफास्ट के लिए जनरली इसी होटल को चूज़ करते हैं, द ग्रैंड मुरलीधर, क्योंकि यार नाश्ता यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता है, अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ तक रास्ता तो बढ़िया ही है, आप सब लोगों ने देख ही लिया है मेरे ब्लॉग में। अभी यहाँ से चलेंगे राजकोट की ओर, सबसे पहले जाएंगे रैप ट्रैप पे, वहाँ पे अपनी गाड़ी का काम शुरू करेंगे, उसके बाद वहाँ से जो 2-3 चीज़ें और ख़रीदनी है मुझे वो हम लेने के लिए सिटी के अंदर जाएंगे। इसीलिए साथ में आज एक दूसरी बाइक हमने खड़ी कर दी है, क्योंकि यार ये बूजा के टायर चेंज करने में हमें कम से कम लगेंगे 5 से 6 घंटे, तो मतलब सोच लो यार कि उतने टाइम वहाँ पर बैठे बैठे तो हम लोग बोर हो जाएंगे। तो अभी यहाँ से नाश्ता करते हैं, उसके बाद फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि राजकोट में अगर एक बार ट्रैफिक शुरू हो गया तो हमें जाना है गोंडल बाईपास रोड, तो पूरा जो माधापुर वाला रोड है वो मतलब जाम हो जाएगा, और हम पहुंचेंगे वहां देरी से। तो फटाफट से नाश्ता करते हैं, उसके बाद यहां से निकलते हैं बाहर। तो भाई यहां से वापस जा रहा है जामनगर,
आगे चलेंगे हम सिर्फ दोनों। चल भाई चल, छोटे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट करके। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, अभी बज रहा है 11:10। हमें पहुंचना था 11 बजे राजकोट, पर यार नाश्ता इतना हैवी हो गया ना, तो थोड़ी देर बैठ गए थे। कवि भाई ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो पे। एक दिक्कत है, वो है ट्रैफिक, क्योंकि सिटी से अंदर चलेंगे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। रुक जा कुत्ता। जान लोगे क्या कुत्ते की। यहाँ से गाइडेंस करेगा नीरव हमें कि कहाँ जाना है। जैसे कि मैंने बताया था, अभी बाइक हो गई इतनी देर में ओवरहीट, तो आप देख लो यार कि बाइक मेरी स्टार्ट नहीं हो रही है। देख लो अभी 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही इसको खड़ा कर देना पड़ेगा। एग्जैक्टली यार मुझे नहीं पता है कि रैप ट्रैप का रास्ता कहाँ से जाता है, तो बाइक बंद हो गई थी उसके बाद मैं यहीं पे खड़ा हूँ। नीरव और सब लोग आगे निकल चुके थे तो वापस मुझे पिक करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, और एक ये गर्मी मार दिया भाई आज तो, गर्मी ने ख़त्म कर दिया। कहाँ है भाई, आ जाओ आ जाओ। सो फाइनली नीरव आ गया है, उसके पीछे पीछे अभी मैं जाएंगे। चलो भाई चलो। मुझे लगता अब तेरी बहन, मुझे लगता है शायद यहीं कहीं होना चाहिए स्टूडियो, क्योंकि राज नहीं दिख रहा है। अरे ये तो दोनों यहीं पे खड़े हैं। इन आंखों की मस्ती में गर्मी बहुत है यार। लो बस 2 मिनट के बाद फाइनली हम पहुंच जाएंगे रैप ट्रैप पे। अंदर जा रहे हो रमेश? सो यार फाइनली पहुंच चुके हैं रैप ट्रैप के स्टूडियो में। हालत पूरी की पूरी खराब है। 2 मिनट के बाद वीडियो व्लॉग चालू करूंगा, पहले थोड़ी शांति लेने दो भाई।